Which career is best for me? Ask astrologer Dr. Suhas Rokde. Yes, he is one of the best. गम गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। नमस्कार, एस्ट्रोटेक लैब में मैं डॉक्टर सुहास रोकड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज के टेक्नोलॉजी सेशन में हम देखते हैं कागज पर लिखा टेक्स्ट हम किस तरह से पीसी में कॉपी कर सकते हैं। साधारणतः देखा गया कि किसी भी पेपर पर लिखे टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम कॉपी नहीं कर सकते। अधिकतर लोग इसे टाइप करने बैठते हैं, लेकिन गूगल में एक फीचर ऐसा है जिसका हम इस्तेमाल करके कागज पर लिखा हुआ टेक्स्ट पीसी पे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। इसके जरिए आप ऑब्जेक्ट पर लिखे टेक्स्ट को बिना टाइप करे फोन या लैपटॉप में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यह फीचर आपको गूगल लेंस में मिलता है। ये गूगल का प्रोडक्ट है। ये ऐप अधिकतर स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल आता है। अगर नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आप न सिर्फ पेपर से बल्कि किसी भी वस्तु पर लिखे टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट को तुरंत ही अन्य भाषा में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यह ऐप वस्तु को पहचान कर उसकी जानकारी देने का भी काम करता है। आइए देखते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके फ़ोन में गूगल लेंस ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप वो देख सकते हैं। ऐप ओपन करके फोन को टेक्स्ट के ऊपर सामने ले जाएं। इस टेक्स्ट की फोटो खींच लें। अब आपको टेक्स्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। जितना टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं उतने हिस्से को आप सिलेक्ट कर लें। अब कॉपी या कॉपी टू कंप्यूटर ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके जरिए टेक्स्ट को कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। चाहे तो फोन में टेक्स्ट कॉपी करके इसे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। इस तरह से यह गूगल लेंस से आपका काफी समय बचा सकता है और मैक्स टू मैक्स डाटा फास्टली डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे कुछ नए टिप्स के साथ हम अगले टेक्नोलॉजी सेशन में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।